हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम दिव्या। और मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ, जो मतलब लोगों के अंदर बहुत मिथ्स होते हैं कि मेरा जो ये ब्लॉग है गाइस, ये इस चीज़ के लिए है कि आपको जैसे लगता है ना कि प्रेगनेंसी में अगर मेरे ये सिम्टम्स हैं तो आई एम हैविंग अ बेबी बॉय और आई एम हैविंग अ बेबी गर्ल, मैं क्या कैरी कर रही हूँ। हम अपने आप से ही मिथ्स बनाने लगते हैं, जैसे कि हमारी नानी दादी वगैरह बोलती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं अपने केस में ही प्रूव आपको कर सकती हूँ जो पॉइंट्स मुझे अभी याद हैं, क्योंकि एज ऑफ नाउ माय बेबी इज़ नाउ 14 मंथ्स ओल्ड एंड आई हैव अ बेबी बॉय, हिज नेम इज़ विधान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो सबसे मेन साइन होता है आपका टमी शेप। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आपका जो पेट है वो एकदम राउंड शेप है और वो अगर नीचे की तरफ है तो आपको बेबी बॉय है। दैट्स अ कम्प्लीटली मिथ गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जो पेट था वो ओवल शेप में था और वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं था, दैट वाज लाइक वो नॉर्मल था, और मेरा बेबी ना ऊपर की तरफ था। ऐसा होता है ना कि बेबी बॉय हम सोचते हैं कि नीचे की तरफ होते हैं, नो, मेरा बेबी ऊपर ही था थ्रू आउट द टाइम। तो फिर भी मेरे पास बेबी बॉय है, जबकि मेरा पेट ओवल शेप था, वो राउंड या फिर नीचे नहीं था, फिर भी मेरा बेबी बॉय हुआ है मेरा। एंड सेकेंड आपका जो होता है वो वॉमिटिंग। हम कहते हैं कि अगर आपको वॉमिटिंग नहीं हो रही है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी तो आप बेबी बॉय कैरी करते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज। मुझे थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मुझे 9 के 9 मंथ्स मुझे वॉमिटिंग हुई है, स्टिल आई एम हैविंग अ बेबी बॉय। मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मुझे वॉमिटिंग ना हुई हो, जिस दिन मुझे ऐसा नौसिया की प्रॉब्लम ना रही हो। तो इसलिए मेरे पास बेबी बॉय है, ये भी एक मिथ है गाइस। एंड थर्ड वन इज़ आपका कि लोग कहते हैं कि आपके फेस पे ग्लो आ जाता है अगर आप एक बेबी बॉय कैरी कर रहे हैं तो, और आपका ग्लो चला जाता है अगर आप एक गर्ल कैरी कर रहे हैं तो। आई एम सॉरी गाइज, ये भी एक मिथ है, क्योंकि मेरे फेस पर कुछ टाइम ग्लो था, लेकिन जैसे जैसे मैं एंड में आती गई अपनी प्रेगनेंसी के, मेरे फेस का ग्लो जाता गया। मेरे फेस पे या मेरे नेक पे, मेरे आर्म्स में कहीं कहीं मुझे ना डार्क पैचेस आने लगे, डार्कनेस आने लगी आर्म्स में और यहाँ पर। तो इसलिए मैं कहीं से नहीं मानती हूँ कि ग्लो आता है, मेरे फेस का ग्लो जा रहा था, फिर भी मेरा बेबी बॉय हुआ है। थर्ड आपका होता है जो हमारे, आपने देखा होगा जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे जो बेली पर एक लाइन आ जाती है, वो किसी किसी की स्ट्रेट होती है नीचे जा कर के भी, और किसी किसी की थोड़ी ऊपर से ऐसे आती है, नीचे से थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। तो ये लोगों का मिथ है कि अगर आपकी लाइन स्ट्रेट है तो आपका बेबी बॉय है, और अगर आपकी लाइन टेढ़ी है तो आपकी गर्ल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस, मेरी जो लाइन थी ना वो थोड़ी टेढ़ी हुई थी नीचे जाकर के, स्टिल आई एम हैविंग अ बेबी बॉय, मुझे गर्ल नहीं हुई है, मेरा बेबी बॉय है। एंड आपका फिर अगर ये भी एक आपका फिफ्थ क्या आपका मिथ है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में ज़्यादा तीखा खाने का मन करता है, जैसे आपका ज़्यादा स्पाइसी खाने की आपको क्रेविंग होती है, तो आपको जो है वो गर्ल होगी। ये भी एक मिथ है गाइस अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मुझे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मुझे स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं मीठा भी लेती थी बट बहुत रेयरली लेती थी, मैं हमेशा स्पाइसी की तरफ भागती थी, स्टिल मेरा बेबी बॉय हुआ है गाइस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हम लोग सोचते हैं ना कि जब बेबी बॉय होता है तो हमारे बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, हमारे लेग्स में स्वेलिंग आ जाती है, हमारी बॉडी फूल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। मेरी जब मैं प्रेगनेंसी में थी तो मुझे स्वेलिंग पूरी प्रेगनेंसी में कभी नहीं आई है। मुझे एट द एंड ऑफ माय प्रेगनेंसी 9 मंथ के एंड में मेरे फेस पर समवेयर लाइक इधर थोड़ा सा स्वेलिंग आ गई थी, अदरवाइज मुझे अपने लेग्स में या कहीं भी मेरे बॉडी के किसी भी पार्ट में मुझे स्वेलिंग का कोई भी ऐसा मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा गाइस। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने एक्सपीरियंस की। तो इसलिए गाइस इन बातों पे आप बिलीव करना बंद कर दीजिए कि आपको बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, ये सब एक मिथ होता है, और भगवान जो आपको देगा वो कभी भी आपके लिए बेस्ट ही देगा।
तो इसलिए इसमें क्या पता करना कि ये बेबी बॉय है, इस चीज़ से बेबी गर्ल होगा. नो गाइज, ऐसा कुछ नहीं होता है कि इंटीरियर पोजिशन है तो गर्ल है, एक्सटीरियर पोजिशन है तो बॉय है. नो नो नो, एवरीथिंग इज जस्ट अ मिथ. हार्ट रेट, आप लोग हार्ट रेट को भी एक कहते हैं कि हार्ट रेट अगर बिलो 140 है तो यू आर हैविंग अ बेबी बॉय, और अगर अबव 140 है तो आपकी गर्ल है. बट मेरी तो अबव 140 थी, इवन 170 के अराउंड थी, फिर भी मेरा बेबी बॉय हुआ है. तो ये सब एक मिथ है गाइज, इस पर बिलीव ना करें. तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और नेक्स्ट आप मुझसे ज़रूर बताइएगा कि मैं आपको प्रेगनेंसी के क्या टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकती हूँ. हाउ कैन आई हेल्प यू गाइज, थैंक यू वेरी मच. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड जस्ट लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू ईच एंड एवरी वूमेन, कि उन लोगों को भी पता लगे कि ये सब बस एक मिथ होता है. बेबी आपको नरिश करना है, आप जानते हैं आपके अंदर क्या है और क्या होगा. ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू वेरी मच.